हाँ डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवी स्थापित जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विषयी हाँ खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रमोद सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और पार्टी के कई नेता शामिल हुए। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के सीएम बने थे। शपथ ग्रहण के पहले प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुना गया था। विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रमोद सावंत ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया था। डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम पर चुनावी नतीजों के बाद ही कयास लग रहे थे। आखिरकार उनके नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार कर लिया गया। प्रमोद सावंत राजनीति में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनकी आम आदमी के बीच पहुंच बेहद आसान है। गोवा की जनता उन्हें नेता नेक्स्ट डोर के नाम से भी जानती है। उनसे आम जनता सीधे कनेक्ट कर लेती है। प्रमोद सावंत पर किसी तरह के घोटाले का आरोप नहीं लगा है। उनकी भाषा भी शालीन है। प्रमोद सावंत एक साफ सुथरी छवि और युवा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उन्हें दोबारा सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रमोद सावंत के बारे में कहा जाता है कि वो सभी के लिए काम करते हैं। बीजेपी आला कमान भी प्रमोद सावंत के काम करने के तरीकों को काफी पसंद करता है। इसके पहले विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अगर गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी कुल 40 में से 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 21 सीटों के जादुई आंकड़े से एक सीट पीछे रह गई थी। बीजेपी को महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी हासिल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।